तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देख लिया आप लोगों ने कि अपडेट जो है आ चुका है और बहुत सारे चेंजेस किए गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे चेंजेस किए गए जो कि बेसिक चेंजेस है और बहुत ही बंदों को परेशान हो रहे हैं कि भाई मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि ये फास्ट टीम क्या है, ये फ्रेंड को कैसे इन लोगों ने डिवाइड कर दिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत ही स्पेशल ये वाला वीडियो होने वाला है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बेसिक जो जानकारी है आप लोगों को मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आएगा और पसंद आया तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पहले प्रॉब्लम्स आती थी कि आप लोग जो है ग्रुप के अंदर होते हुए भी आप आपके टीममेट को इनवाइट नहीं कर पाते हो, या फिर हो सकता था कि आपके जो टीममेट है वो जो है ऑनलाइन होते थे और इन ग्रुप या फिर इन गेम बताता था, ठीक है। यानी कि आप जो है उनको इनवाइट नहीं कर पाते थे, आपको उनको लिंक शेयर करना पड़ती थी या फिर गेम को जो है रीस्टार्ट करना पड़ता था। बट ये जो प्रॉब्लम है अब इस अपडेट के बाद सोल्व हो गई है। कैसे सोल्व हो गई है तो आपको सिंपल सा यहाँ पर देख रहा जैसा, यानी कि आपको जो आपके टीममेट को इनवाइट करना है जो कि हो नहीं रहा है, ठीक है। आप यहां से इनवाइट करते हो बट उनको इनविटेशन नहीं जा रहा है। तो सिंपल सा यहां पे दे रखा है फास्ट टीम, ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हो जैसा कि आपका नाम आता है उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है जनरेटेड टीम कोड। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपकी टीम के कुछ कोड होते हैं 6-7 अक्षरों के, 6 अक्षरों के, वो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि मेरे जो टीम कोड के, मेरी जो टीम है उसके कोड आ रहे हैं 27-87-30, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये जो टीम कोड है इसी स्क्वाड के लिए अभी अवेलेबल है, यानी कि ये जो स्क्वाड में अगर एग्जिट कर दूँगा तो ये टीम कोड इस स्क्वाड के लिए हट जाएंगे, ठीक है। यानी कि जब मैं स्क्वाड बनूँगा तो अगला मेरा ये टीम कोड आएगा, है ना। तो सिंपल सा यानी कि अभी जो है आपको किसी फ्रेंड को बोलना है कि भाई इस वाली टीम को आपको ज्वाइन करना है, तो उसको बोलना है यहाँ पर देख सकते हो इन्वाइट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो फास्ट टीम के अंदर उसको ये वो जो पिन कोड थे वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे वो डालेगा और राइट पे क्लिक करेगा आपकी टीम के अंदर वो बंदा आ जाएगा, यानी कि मैंने जो है अभी वो स्क्वाड हटा दिया है तो यहाँ पे टीम डज नॉट एग्जिट लिखा हुआ आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ और चेंजेस किए गए जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड्स के अंदर आप लोग देख सकते हो कि बंदों को जो है अलग अलग डिफरेंट क्वालिटी के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। जैसे कि आपके जो गेम फ्रेंड है उनको सारे को यहाँ पे कर दिया है, ठीक है, जो भी आपके गेम के अंदर रिक्वेस्ट सेंड करते हो और आप लोग एक्सेप्ट करते हो। इसके अलावा प्लेटफॉर्म फ्रेंड के अंदर आपके जो फेसबुक के फ्रेंड थे उन सारों फ्रेंड को यहाँ पे कर दिया है ना। और एड के अंदर यहाँ पे अलग से ऑप्शन दिया है, नीचे आपको क्लिक करना पड़ेगा जिस बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है या फिर कुछ और करना है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है अलग, यानी कि सेम गिल्ड, ये करोली वाइटी और मैं एक टू एक ही गिल्ड के अंदर है। ये म्यूचुअल फ्रेंड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हो सकता है मेरा फेसबुक का फ्रेंड है, फेसबुक के अंदर लिखा हुआ था ना म्यूचुअल फ्रेंड। इसके अलावा हो सकता है कि हम बहुत ही ज़्यादा साथ में खेलते हैं, यानी कि ये म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है कि ये मेरे गिल्ड के अंदर भी हो और मैं पता नहीं क्या सीन है, बट म्यूचुअल फ्रेंड यहाँ पर दे दिया है फ्री फायर के अंदर, ये पता नहीं क्या कर दिया फ्री फायर वालों ने, ये थोड़ा बंदों को कन्फ्यूज करने वाला है। बट कुछ ही नाम यहाँ पर दिख रहे हैं, देखने वाली बात है कि यहाँ पर कुछ ही नाम है, सारे नाम नहीं है। तो ये सारे जो है मेरे फेसबुक के फ्रेंड है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये जो फ्रेंड है, ये जो बंदे है, ये मतलब रिकमेंडेड होते हैं, ठीक है। यानी कि मेरे जो फ्रेंड है उनकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर इन बंदों में ज़्यादा नाम है, ठीक है। इसी वजह से मेरे को यहाँ पे रिकमेंडेड किया गया है कि आप में इनमें से किसी को जानते हो तो इनको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बोर्ड के नाम भी आते हैं जो कि नया नया गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, तो उनको भी यहाँ पर रिकमेंडेड किया जाता है ताकि बड़े लेवल वाले फ्रेंड उनको अगर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उनके साथ खेल कर वो उनका गेम प्ले बेटर बना सके। इसके अलावा कुछ और चेंजेस किए गए जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जब आप कस्टम बनाते थे तो कस्टम के अंदर थोड़े और ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि मैं बता देता हूं, ठीक है। तो कस्टम के अंदर क्या ऑप्शन ऐड किए हैं, तो यहां पे देख सकते हो ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग एरिया भी ऐड कर दिया है, बहुत ही सही यार। और कस्टम के अंदर आप लोग देख सकते हो पहले अभी जो है यहाँ पे ऐड किया है उन लोगों ने क्लेश स्क्वाड, कस्टम के अंदर पहले क्लेश स्क्वाड नहीं था बट अब जो है क्लेश स्क्वाड कस्टम के अंदर आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, 4v4 का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। और ग्राफिक्स बहुत ही सही कर दिए परगेट्री, हटा के यहाँ पर ग्राफिक्स के अंदर इंप्रूवमेंट किया था कि गेम का जो साइज़ है वो बढ़ाने वाला, हालांकि परगेट्री पूरी तरह से उन लोगों ने नहीं हटाया है बट थोड़ा सा हटाया है, यानी कि आपको रैंक या फिर क्लासिक के अंदर ही देखने को मिलेगा, पता नहीं क्या सीन किया गया वालों ने, ठीक है। तो वो भी अपने को गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। और आपने देख लिया होगा लक रॉयल के अंदर भी नया करेक्ट जो नया बंडल है वो आ चुका है और इससे मेरे को काफ़ी नफरत है क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत सारे जो गोल्ड है वो उड़ा दिए। देख सकते हो 91 यहाँ पर मैंने स्पिन किए बट फिर भी मेरे को ये नहीं मिला, फीमेल का है वैसे भी बट अच्छा दिया है तो सोचा कि क्यों ना कलेक्शन बढ़ा दिया जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आया होगा, अपडेट के बारे में जानकारी पाकर खुश होंगे और अपडेट को देखकर भी काफ़ी खुश होंगे, तो एक एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने भाई लोग शेयर कर देना एक एक, तो उम्मीद है अगला वीडियो भी आप लोग देखोगे, ठीक है। बाय फ्रेंड्स।